दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। हरदोई से जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। बिलग्राम हरदोई में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को घेरा। बिलग्राम तहसील मुख्यालय पर मल्लामा बिलग्राम विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद नसीम के नेतृत्व में कार्यकर्ता लामबंद हो गए और प्रशासन की शक्ति के बावजूद भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी बिलग्राम को सौंपा, जिसमें बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह हाल ही में हुए ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी सरकार द्वारा की गई धांधली से लोकतंत्र की हत्या हुई है और बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नौजवानों की बढ़ती बेरोजगारी, किसानों पर थोपे जा रहे काले कृषि कानून, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से जनता त्रस्त है और सपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में धांधली हुई है जिसका पुरजोर विरोध किया गया। आरोप लगाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी सरकार के इशारे पर प्रशासन व बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने धांधली कर चुनाव जीता है। सपा नेताओं ने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग सभी जिलों में सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन व बीजेपी के नेताओं ने सपा के व निर्दलीय प्रत्याशियों को मारपीट कर गोलीबारी करके नामांकन नहीं करने दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति महोदय से गंभीरतापूर्वक विचार कर समस्याओं के समाधान के लिए गुजारिश की। प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से बिलग्राम मल्लामा विधानसभा के अध्यक्ष मोहम्मद नसीम, बिलग्राम से सपा नगर अध्यक्ष मोहम्मद रईस मियाँ, पूर्व विधायक ब्रजेश वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कप्तान सिंह यादव ब्रजेश वर्मा उर्फ टिल्लू भैया, अफसर अली, बिलग्राम नगर अध्यक्ष मोहम्मद सईद, अजबू यादव, विवेक कुमार, मोहम्मद खालिद, हरपाल यादव, मोहम्मद नफीस, दिलशाद, इरशाद मोहम्मद, मोबीन रहुला आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिलग्राम हरदोई से संवाददाता विकास सैनी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। आपको जो कहेंगे जैसे आप कहेंगे वैसे मैं फॉलो कर लूंगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब समाजवादी लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, अपनी हक की बात कहते हैं, हम साधारण ज्ञापन देने जा रहे हैं तो हम पे कोविड भी लगा कराना है। नंबर एक यह है कि यह जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी सरकार के इशारे पर प्रशासन व बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने धांधली कर चुनाव जीता है, पूरे दिक्कत हो, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। अगर गेट पे प्रशासन आपको रोकता है तो आप अपनी जिद नहीं करेंगे कि नहीं नहीं हम जाएंगे, आपके नेतागढ़ जाएंगे, आपके नेतागढ़ एसडीएम साहब को पढ़ के सुनाएंगे, ज्ञापन देंगे, वापस आ जाएंगे। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।